लव यू सो मच, मुझे बुला रहे हैं, मेरा रिश्ता भेज दे इंडिया से, मैं कर लूंगी। इंडियन लड़कों पे मुझे फख्र है क्योंकि वो लड़कियों का दिल ही तोड़ते रहे। विराट कोहली ही इज सेक्सी but is not sexy, he looks like my brother. raaton ko so bhi nahi sakte kyunki aapka itni attachment ho jati hai na uske sath. fir virat itna kyu pasand hai ladkiyon ko, sabse badi baat hai wo out nahi hota. khaja to virat kohli bhi khoobsurat hai, hum pyar karte hain unse bhi. ye ladke zyada loyal hote hain, pakistani bilkul nahi hote. inko biwiyon ki yaad aayi hai, biwiyan rakhe cricket chhod dena, hamara khoon kyu jala rahe hain. is baat ka dukh nahi hai ki wo bahir ho gaye, is baat ka zyada dukh hai jo wo india se bahut ganda ho rahe hain. humse doob marne wala muqam hai. agar sahi baat batau na, mujhe hamesha hi india hi pasand hai, pata nahi main kyu pakistan mein hu. india ko support nahi karna bas, aaj pakistan kyun har bar india se hi haarta hai. isse pehle aapka expression janenge ki pakistan t20 world cup se bahir ho gaya. पाकिस्तान से हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है. पाकिस्तान ने मतलब हम जैसी ही प्यारी प्यारी लाहौरी लड़कियों का दिल तोड़ दिया, स्पेशली नसीम शाह ने. नसीम शाह तो बड़ा प्यारा है, नसीम तो प्यारा, उसने तो कुछ नहीं किया, वो बेचारा तो रोता रहता है. नसीम की फैन है कि अच्छा वो बेचारा हो गया. नसीम तो लव है, लव है नसीम, लव है. लेकिन फिर भी पाकिस्तानी टीम ने अच्छा नहीं किया, पाकिस्तानी टीम ने बहुत डिसअपॉइंट किया है. जो इंडियन ऑडियंस इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगी? आई लव यू सो मच, मुझे बुला रहे हैं, मेरा रिश्ता भेज दे इंडिया से, मैं कर लूंगी. बच्ची बहुत प्यारी है, देख बुला रहे आप. इंडिया में जो यूट्यूबर्स है ना वो बहुत प्यारे हैं, स्पेशली वो क्या नाम उसका, अभिषेक मलहन. इंडियन यूट्यूबर्स देख रहे हैं तो प्लीज मुझे अप्रोच करें. आप क्या कहेंगे? मैं तो उनको बस यही मैसेज दूंगी कि लव एंड पीस. वो एवी राइवलरी लगा के बैठे होते हैं, हम तो उनको लाइक करते हैं, उनको वो भी हमें बड़ा लाइक करते हैं. वो इंडियन लड़कों पे मुझे फख्र है क्योंकि वो लड़कियों का दिल ही तोड़ते और ऐसी लड़कियों के साथ लॉयल रहे. इवन मेरी अगर कभी किसी इंडियन लड़के से बात भी हुई है तो मैं पूछती हूँ कि आपकी गर्लफ्रेंड है, वो कहते हैं हम उसी से शादी करेंगे जो हमारी गर्लफ्रेंड है. इंडियन लड़के विराट कोहली. अच्छा पहला सवाल क्या आपके जहन में आ रहा है कि आप उनसे पूछेंगी? क्या आप इतने प्यारे कैसे हैं? विराट कोहली. सॉरी पाकिस्तानी गर्ल्स भी. विराट इतना क्यों पसंद है लड़कियों को? अच्छा खेलता है, प्यारा है, फिट है, क्या क्या अच्छा लगता है? अच्छा खेलता भी है और वो सबसे बड़ी बात है वो आउट नहीं होता. होता है? नहीं होता, वो 100 स्कोर्स बना के ही होता है. ज्यादा सेंचुरी, ज्यादा उसके दिखे. हाँ वो सेंचुरी के बाद ही आउट होता है. इतनी अच्छी टीम है जो हर बार जीतती है और इस बार भी हर चीज को विन कर रही है, हर मैच विन कर रही है. और ये पाकिस्तान है जो हर मैच ही हारी जा रही है. लड़के ज्यादा लॉयल होते हैं, पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं होते. लड़के कैसे लॉयल है? हम कभी पाकिस्तानी लड़के हमेशा दिल तोड़ते हैं, मेरा भी टूटा. दुनिया से जैसे हारी वो मैच आप लड़कियों ने देखा था? मैंने शर्ट लगा ली थी, मैं इंडिया के साथ ही मैं 5000 रुपए जीत गई थी. वाह आपने जीते के गवाए. मैंने कोई शर्ट नहीं गवा दी, मैंने शर्ट लगा ली थी इसलिए 5000 रुपए जीत. यकीन नहीं था अपने प्लेयर्स पे? मुझे यकीन था कि पाकिस्तान हारेगा हारेगा हारेगा. अच्छा हिस्ट्री है, अब तक हमने इंडिया के साथ 8 मैच खेले हैं, उसमें से सिर्फ एक जीते, कितने शर्म वाली बात है. कोई पाकिस्तान से बारिश हो रही होगी इसलिए जीत गया. बारिश हो रही होगी इसलिए जीत. प्लस पॉइंट मिल गया. हाँ एग्जैक्टली. पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, ये बहुत अच्छा काम किया पहली बार पाकिस्तान ने. वो ये अच्छा काम है बिल्कुल, ये इसी काबिल है, ये इसी काबिल है. इन्होंने कुछ भी नहीं करना होता. हाँ मेरे ख्याल में तो ये क्रिकेट इनका बंद कर देना चाहिए, इस पे लाखों रुपया लगता है, वही आवाम को दे. हाँ ये सारा प्लान जो है ना, मुझे कहते हैं ना प्रोग्राम बढ़ गया, ये अब वो साहब है. ठीक है इनका कुछ नहीं हो सकता, इनसे ना उम्मीद ही बंदा सही मतलब है. यार देखो कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आप कहीं डिनर पे जा रहे हैं तो आप उसके लिए पैसे चार्ज कर रहे हैं. मैच देखती तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती. अच्छा हाँ अच्छा इंडिया पाकिस्तान का भी मैच नहीं देखा? देखती हूँ बट थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर इमोशनल हो जाती हूँ. फिर वो ट्रॉमा बहुत दिनों तक कैरी करना पड़ता है, आप रातों को सो भी नहीं सकते क्योंकि आपका इतनी अटैचमेंट हो जाती है ना उसके साथ. फिर अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि स्टडीज़ पे फिर इंसान फोकस नहीं कर सकता, किसी चीज़ पर भी फोकस नहीं कर सकता. जैसे हमारी पॉलिटिशियंस का हाल है ना, उसी तरह हमारी टीम का भी इस वक्त यही हाल है. हमारी टीम जो है ना वो बिल्कुल हुई हुई है उस तरीके से कि इनकी आपस में जो है ना वो शायद आपस में नहीं इनकी बन रही और एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं. इंडिया वालों को बस जीत मिल रही है, उनको बस खुशी हो रही है और हम लोग बेचारे देखते देखते रह जाते हैं इनको. बिल्कुल वो लोग तो बहुत खुश हैं, इंडिया अभी तक मुसलसल तमाम मैचेस जीतते जा रहा है और हम हारते हुए जा रहे हैं. ज़ाहिर है वो तो खुश होंगे अपनी जीत पर और हमने तो रोना है अपनी हार पर. अच्छा क्रिकेट में टीम इंडिया को कितना अहमियत दे रहे हैं आप, कितना फेवरेट है वो आपकी टीम? इंडिया वैसे तो फेवरेट नहीं है लेकिन अब वो जीत रही है तो ऑब्वियसली उसके बारे में कुछ कह तो नहीं सकते. मतलब
पाकिस्तान से तो अच्छा ही रह रही है, मतलब जो जीतेगा हम उसके साथ हैं, जो जीतेगा हम उसके साथ हैं, ऐसा ही है, जो जीतेगा मैं उसी के साथ हूँ। धर्म से डूब मरने वाला मुकाम है, ठीक है, इतना कुछ सोचा होता है इनके लिए, लेकिन ये एंड पे आकर धोखा दे जाते हैं। इतनी एक्साइटमेंट होती है बंदे को, लेकिन ये सारा जो होता है ना प्लान बनने का, फ्लॉप कर देते हैं। इनको बीबियों की याद आई है, सीधी बात बताओ, इनको बीवियों की याद आई है ना कि मैं बीवी के साथ कैसे रहा, मैं तो बाहर रहूंगा। हाँ। और मेरी अकेली बीवी क्या नाम है ईद मनाएगी। हाँ, तो फिर बीवियां रखे, क्रिकेट छोड़ देना, हमारा खून क्यों जला रहे हैं। यही तो बात, मैं इस बात का दुख नहीं है कि वो बाहर हो गए, इस बात का ज्यादा दुख है जो इंडिया से बहुत गंदा हार है। क्या लगता है कि इतनी जो पावर है, इतनी जो परफॉर्मेंस है, उनकी बैटिंग बॉलिंग को देख के क्या लग रहा है, कैसे तैयारी करके आए हैं वो? मुझे तो अगर सही बात बताऊँ ना, मुझे हमेशा ही इंडिया ही पसंद है, पता नहीं मैं क्यों पाकिस्तान में हूँ। वो इतना कि गंदा कि जीता हुआ मैच था उनका, जो उन्होंने 120 रन बनाने थे, तब से हारते हमने देखना ही छोड़ दिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो वापस आते हैं तो वेलकम किस तरह से करेंगे? वेलकम तो खुशी से करेंगे, पर ये कि उनको बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। अच्छा चलो, अगर डिनर या लंच का मौका मिले आपको इंडिया के किस प्लेयर के साथ डिनर? कौन है, बाबर आजम या विराट कोहली? देखा जाए तो विराट कोहली भी खूबसूरत है, इंडियन है, हमारा हमसाया मुल्क है, हम प्यार करते हैं उनसे भी, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ तो बाबर आजम को भी मैं कहूँगी, बाबर आजम आप भी खूबसूरत हैं। तो गंदा सा बॉलर भी है जो अजीब तरीके से बॉल कराता है, नाम नहीं मुझे इसका। बुमराह? हाँ जी, ऐसे ऐसे करके आता है, फास्ट बॉलर है, पाकिस्तान उसी की वजह से ही हारता है। बुमराह की वजह से? अजीब सी वो बॉलिंग ही अजीब करवाता है, वो बॉलिंग ही अजीब करवाता, पाकिस्तानी कंफ्यूज हो जाते हैं। पाकिस्तान बाहर निकल गया, अब आप किसको सपोर्ट करेंगे? इंडिया। आप इंडिया है? इंडिया, मतलब ये भी पॉइंट है कि चलो वर्ल्ड कप एशिया के अंदर ही आया, जो बात है पड़ोसी मुल्क है, अब क्या कर सकते हैं, राइवलरी अपनी जगह, लेकिन खुशी तो हमें होगी ना अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा तो कोई मसला नहीं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच आ रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया भी टीम अच्छी है, इंडिया की भी, आपके क्या प्रेडिक्शन है, कौन विन करेगा? नहीं, जिस तरह इंडिया पूरा काम होके सॉर्टेड होके खेलता ना, तो मुझे लगता है इंडिया कर लेगा। अब ऑस्ट्रेलिया को 120 रन हम नहीं बना सके, उन्होंने उसको भी रोक लिया, तो फिर वो आगे कुछ भी कर सकते हैं, उनके प्लेयर्स अच्छे हैं, उनके बॉलर्स अच्छे हैं। इंडिया को सपोर्ट नहीं करना, बस जो मर्जी हो जाए, इंडिया से तो हमारी लड़ाई है, तो इंडिया को सपोर्ट क्यों करें? लक होगा, मेहनत नहीं, नहीं मेहनत क्यों नहीं, क्योंकि वो बाय चीट जीते हैं हर वक्त। आई चीट जीतते हैं।